वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको नेट का शॉर्ट श्रग बनाना बताऊंगी, गाउन के ऊपर पहनने वाला। मैंने गाउन भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने नेट का कपड़ा लिया है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इतना एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारे पास है इसको हम निकाल करके अलग कर लेंगे, जिससे हमारे पास सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा बचे जिससे हम श्रग बनाएंगे। तो इसको आप ऐसे कट करके आप इसको निकाल लीजिए जहाँ पर कढ़ाई नहीं हुई है। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, सिर्फ कढ़ाई वाला कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है। अब हम इसी में श्रग की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, श्रग की कटिंग करने के लिए हम श्रग की लंबाई, पहले जो लेंथ होगी हमारी वो 17 इंचेस रखेंगे। आप 17 इंच पर एक मार्क लगा लीजिए और ऐसा सीधा सीधा मार्क लगाते 17 इंचेस पर आप चले आइए। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसको कट कर लीजिए। ये देखिए मैंने इतना कपड़ा अलग कर लिया है, इसको एक और फोल्ड दीजिए। तो ये 4 लेयर्स में हमारा हो गया कपड़ा। वन टू थ्री एंड फोर, ये 4 लेयर्स का हमारा कपड़ा हो गया। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले हम कंधे पर निशान लगाएंगे जो कि होगा 6.5 इंचेस, और यहाँ से फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, ये होगा 7 इंच, और इसको जॉइन कर लीजिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे, ये हमारा 3.5 इंच पर रहेगा। और यहाँ से गले की गहराई हम देंगे 5 इंच, और इधर से भी 3.5 नाप लीजिए, और इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दीजिए। देखिए इसको आप जोड़ दिए। नेट में लाइंस बहुत सीधी नहीं खींचती हैं तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। हम इसमें थोड़ा सा गले की गुलाई दे देंगे, ये आगे की गले की गुलाई थोड़ा सा दे दीजिए, और पीछे के गले की गुलाई हम 2 इंच पर रखेंगे। पीछे का गला हम इसमें छोटा रखेंगे श्रग का, ये 2 इंच का हो गया, ये पीछे का गला और ये आगे का गला। अब इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे स्ट्रेट बॉक्स जैसा बन गया। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, पीछे का आर्म होल हम 1.5 इंच रखेंगे और आगे का 1 इंच, आगे ज़्यादा गहरा रहेगा इसलिए आगे 1 इंच। अब एक कर्व बना लीजिए ऐसे गुलाई देते हुए, इसको भी ऐसी गुलाई दे दीजिए आप। कटिंग करते वक्त ध्यान रहे पहले हम पीछे का आर्म होल काटेंगे और पीछे का गला। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, इसके लिए जो भी आपका मेजरमेंट हो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें 1 इंच ऐड कीजिए क्योंकि हम थोड़ा लूज बनाएंगे श्रग, और 1.5 इंच लगभग सिलन के लिए। तो मेरे केस में 34 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 8.5 आया, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा 9.5 पर रखेंगे, और उसमें 1.5 इंच सिलन के लिए 11 पे, तो एक हम निशान 11 पर लगाएंगे, और नीचे उससे 1 इंच कम 10 पर कमर के साइड। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम कंधा 0.5 इंच के लगभग गिरा देंगे, ऐसे लाइन बना लीजिए। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम यहाँ से ऐसे करते हुए और पीछे के आर्म होल से ऐसे करते हुए कटिंग करेंगे, इसको और इसको अभी नहीं कट करेंगे। इसको कट कर लीजिए, ये देखिए मैंने कट कर लिया है, और हम एक लेयर अप निकाल लेंगे, पीछे वाली निकाल लेंगे, और ये जो फ्रंट वाला है जिस पर मार्किंग हुई है इसको फिर से रखेंगे अच्छे से सेट करके। और इसको आप कट कर लेंगे, ऐसे ही आप आर्म होल भी कट कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट गया है, इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। ये उल्टा है और ये उल्टा है, ये सीधा है कपड़े का और ये सीधा है, ऐसे ही आप इसी सीक्वेंस में रखिएगा, और इन दोनों शोल्डर्स को आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए।
यहाँ सिलन और यहाँ सिलन चला दीजिए। देखिए दोनों शोल्डर्स जुड़ गए हैं। अब आप जो आगे वाला हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसको आप एक फोल्ड देंगे, ऐसा एक बार फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक कट कर लीजिए। हम आगे फ्रंट ओपन रखेंगे इसलिए हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इस पर पट्टियाँ लगाएंगे। इसके लिए मैंने दो पट्टी काट ली है, जो मैंने गाउन बनाया था जो उस पर अस्तर लगा था साटून का, वही उसी का मैंने पट्टी काटा है। इसके लिए आप ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, तो आप इधर इस पट्टी को ऐसे रखिए और यहाँ से यहाँ तक सिल दीजिए। और सिलने के बाद जब आप इसको पलट करके ऊपर करेंगे तो ये ऊपर सीधा सीधा लग जाएगी पट्टी। अभी मैं सिल करके आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसको पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए आप ऊपर की तरफ ऐसे एक और ये दो बार फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर आपकी पट्टी आ जाएगी। इसको आप पिन से सिक्योर कर लीजिए। ये देखिए ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा नेट और जो साटून है उसको अंदर करके आप इसको ऊपर फोल्ड कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर एक सिलन चला दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे हम गले में लगाएंगे। इसके लिए भी मैंने एक पट्टी काटी है। इसको आप ऐसे एक बार फोल्ड कीजिए फिर ऐसे फोल्ड कीजिए। और जैसे इसको लगाए थे पलटे थे वैसे ही इसको भी करेंगे। उल्टी साइड ऐसे हम लगाएंगे इसको और जब ऊपर करेंगे तो हमारी पट्टी सीधी हो जाएगी। ऐसे ही हम आगे से लेकर के पीछे तक पूरे गले में ऐसी गोल में लगा लेंगे और इसको पलट करके सीधा कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको हम लेंगे और इसको चार लेयर्स में रख लेंगे। अच्छे से आप रख लीजिए। ये चार लेयर का कपड़ा है। वन साइड मेरी तरफ रहेगा और अब इस पर हम निशान लगाते हैं। स्लीव्स की लंबाई हम 12 इंचेस रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 12 इंचेस रखूँगी। तो 12 पर एक निशान लगाते हैं। अब ऊपर स्लीव्स की चौड़ाई देने के लिए हम दो निशान लगाएंगे, एक 9 इंच पर और एक 11 इंच पर। 9 पर हमारी सिलन होगी और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा। तो एक 11 पर आप निशान लगाइए और एक 9 पर निशान लगाइए। नीचे मोड़ी का अब हम निशान लगाएंगे। इसमें भी हम दो निशान लगाएंगे, एक 6 पर और एक 8 पर। एक 6 पर निशान लगाइए और एक 8 पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रेट। अब जो हमने 11 इंच लगाया था इसको हम 8 इंच से ज्वाइन करेंगे और 9 इंच वाले को 6 इंच में ज्वाइन कर देंगे। अब ऊपर शेप देने के लिए हम जहां पर 9 इंच का निशान लगाए थे वहां से हम नीचे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे। ये ऐसा आप कर्व बना लीजिए। अब हम आगे वाले स्लीव्स में जो आगे वाला हमारा आर्म होल होगा उसमें हम लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आप ऐसे कर लीजिए और इसको आप कर्व दे दीजिए। ये हमारा फ्रंट के आर्म होल का कटिंग रहेगा, ये बैक का। ऐसे आप इसको पूरा कट कर लीजिए। ये देखिए पहले आप पीछे वाला कट करेंगे। ये कट गया मेरा। और फिर आप ऐसे स्लीव्स को खोल लीजिए। ये सीधा है, ये सीधा और ये उल्टा है और ये उल्टा। ऐसे ही आप रखिएगा और इसकी आप कटिंग कर दीजिए। तो हमारे फ्रंट साइड का जो आर्म होल होगा उसकी कटिंग हो जाएगी। इसको आप कट कर लीजिए। ये देखिए कटिंग हो गई दोनों साइड की।
अब हम इसमें फ्रिल्स लगाएंगे जो हमारी स्लीव्स है उसके एंड में मोड़ी के पास। तो इसके लिए आप एक कपड़ा नेट का आप ऐसे काट लीजिए पट्टी, और उसको आप छोटे छोटे ऐसे फ्रिल्स बनाते हुए चले जाइए। चाहे तो आप इसको एक सुई धागा की मदद से आप इसको पहले से फ्रिल लगा करके फिर इसमें लगा सकते हैं, या आप किसी पिन की मदद से आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप बना लीजिए और इसको एक सिलन दे दीजिए। ये देखिए मैंने ऐसे फ्रिल्स बनाई और इसके ऊपर एक सिल दिया, और ऐसे फिर आप पलट के फिर से एक ऊपर से आप टॉप स्टिच लगा दीजिए। एक ऐसे आप लेस ले लीजिए अपने पसंद का और इसको भी आप इस पर अटैच कर दीजिए। ये देखिए मेरे फ्रिल और ये लेसेस लग गए हैं। ये हो गया। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के लिए आप ऐसे जो श्रग होगा उसको रखिए, और जो हमने कटिंग की थी फ्रंट साइड की आर्म होल की उसको आप फ्रंट साइड ही रखिएगा। जो फ्रंट साइड श्रग में हमने काटा था आगे उधरी साइड आप रखिएगा। ये देखिए इधर इधर साइड आप रखिएगा। इसको अटैच करने के लिए पहले आप स्लीव्स का जो सेंटर होगा उसको आप शोल्डर पे रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे सिलते हुए चले आएंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक सिल दीजिए। ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है। ये देखिए अटैच हो गई स्लीव्स हमारी श्रग से। अब हम यहाँ पर सिलन लगाएंगे। उसके लिए आप जो भी आपका नाप होगा आप मेजरमेंट से, जैसे मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। मैं ऐसे ही निशान लगा लूँगी सिलन के लिए। ये 1.5 इंच के लगभग है मेरा, और वैसे ही इधर भी कर लीजिए। इधर की भी स्लीव्स हमारी अटैच हो गई थी, इसको भी आप 1.5 इंच के डिस्टेंस पर आप एक निशान लगा लीजिए और इसको सिलन दे दीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा। ये देखिए मैंने सिल दिया है दोनों साइड, और मैंने एक टेसल लगा दिया है ऐसे, और जैसे हमने यहाँ पे फ्रिल लगाई थी वैसे ही मैंने नीचे भी फ्रिल लगा दी है, सेम वैसी छोटी छोटी फ्रिल पूरे में। मेरा श्रग बन के रेडी हो गया है। इसका मैंने गाउन भी बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है मेरा गाउन, इसका फुल ट्यूटोरियल पार्ट 1 में है वीडियो के। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।